जालंधर के बीएमसी चौक पर कुछ शरारती तत्वों ने आज पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे खेड वतन पंजाब दिया के पोस्टर और भूतपूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पुतले पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख दिए। इसके साथ साथ पुलिस ने लिखे हुए नारों को साफ करने की बजाय पुतले पर ही कालिख पोत दी। आपको बता दें कि आज भगवंत मान जालंधर में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तरीय खेलों का उद्घाटन करने वाले हैं। बेअंत सिंह 1992 से 1995 तक कांग्रेस नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। खालिस्तान अलगाववादियों ने उनकी कार पर बमबारी के दौरान उनकी हत्या कर दी थी। सोनाली फोगाट को पानी में ड्रग मिलाकर पिलाया गया था। जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि सोनाली के पीए ने 12,000 में वो ड्रग खरीदी थी। सोनाली फोगाट की मौत पर गोवा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सुखविंदर से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि ड्रग की ओवरडोज होने से सोनाली की तबीयत बिगड़ी और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में अभी भी गुत्थी नहीं सुलझी है। इस बीच गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने सीबीआई जांच को लेकर बड़ी बात कही है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में चल रही है, लेकिन सभी औपचारिकताओं के बाद अगर जरूरत पड़ी तो सोनाली फोगाट की मौत का मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। प्रमोद सावंत ने कहा है कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की उनसे बात हुई है। सीएम खट्टर ने मामले की गहन जाँच का अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को मंडी में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का जीरो बिल निकालकर शुभारंभ किया। आपको बता दें, इससे पहले 60 यूनिट तक बिजली निशुल्क देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बाद फिर मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया गया। इसके साथ ही आप सरकार का नाम लिए बिना जयराम ने पार्टी पर मुफ्तखोरी का इल्जाम लगाया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शाहपुर दौरे को बीच में छोड़कर सीएम जयराम ठाकुर सोमवार दोपहर चंबा जिले के ककरोटी पहुंचे। उन्होंने भारी बारिश के बीच ककरोटी घट्टा में विस्थापित 37 परिवारों का हाल जाना। इस दौरान टेंटों में रह रहे प्रभावितों ने मुख्यमंत्री जयराम और विधायक विक्रम सिंह जयलाल को अपनी समस्या बताई। सीएम ने प्रभावितों को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के विशेष सत्र में विश्वास मत का प्रस्ताव पेश किया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर खूब हमला बोला। सीएम ने कहा कि महंगाई अपने आप नहीं बढ़ रही, केंद्र ने अनाप शराप टैक्स लगाया है इसलिए बढ़ी है। उन्होंने बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इससे पहले शुक्रवार को विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली की तैयारियों पर चर्चा पर हरियाणा कांग्रेस की अहम बैठक हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हरियाणा के 5 लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ताओं ने बैठक की। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र के नेता और कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। 5 लोकसभा क्षेत्रों के विधायक और पूर्व विधायक और सक्रिय कार्यकर्ता बैठक में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि बैठक का आयोजन 4 सितंबर को दिल्ली में होने वाली हल्ला बोल रैली के लिए लगाई जाने वाली ड्यूटी के लिए हुआ था। पंजाब में आम आदमी की सरकार बनने के बाद से ही जेलों को नशा मुक्ति और मोबाइल के प्रयोग पर रोक लगाने की बात जोरों पर थी। इसके साथ ही राज्य के जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने गैंगस्टर को जेल के अंदर मिल रहे वीआईपी सहूलतों को खत्म करने की बात कही है। बैंस ने कहा कि अब समय बदल गया है। जिस दिन से सीएम भगवंत मान ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, हम परिवर्तन की यात्रा पर हैं। हम अपनी जेलों को अपराध मुक्त, नशा मुक्त और मोबाइल मुक्त बनाएंगे। गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से तेवर दिखाए हैं। यही नहीं, इस बार उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कैसे खड़ी होगी जब अध्यक्ष के पास ही टाइम नहीं है। जब मेरी टाइमिंग की बात करते हैं, उन लोगों के पास कांग्रेस के लिए टाइम ही नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को लेकर कहा कि घर गिर रहा है और अब खंभे भी गिर रहे हैं। उसमें दबकर मरने से अच्छा है कि बाहर निकल जाएं। जिन लोगों को सती होना है वो वहां रहें।